मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द लर्नर अकेडमी यूट्यूब क्लासेस। अगेन हम वोकेबुलरी को कवर करेंगे। इसमें SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होंगे। ध्यान रखें, 10 सॉल्व क्वेश्चन और 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछले लेक्चर की तरह आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनसेसेंटली, इनसेसेंटली का अर्थ होता है निरंतर, यानी कि कंटिन्यूसली, लगातार, निरंतरता मतलब बिना रोके काम होगा। इनसेसेंटली का अर्थ बिना रोके और कंटिन्यूसली का अर्थ भी बिना रोके। कंटिन्यूसली की स्पेलिंग अच्छे से याद रख लीजिएगा। इनएविटेबली अनिवार्य हो जाता है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। रेगुलरली नियमित तौर पर होता है। ध्यान रखें, रेगुलरली और कंटिन्यूसली में अंतर है। रेगुलर में ब्रेक हो सकता है, कंटिन्यूस में ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, रेगुलर में आप 10 मिनट कोई काम कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद 10 मिनट फिर काम कर लीजिए, फिर 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, वो रेगुलरली हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूसली में आप रोक नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिव। देखिए, रेस्ट जो है, रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना, लेकिन रेस्टिव का अर्थ होता है अशांत करना। इसलिए पहला ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। रेस्टेड का मतलब आराम होगा, लेकिन रेस्टिव व्यक्ति अगर है तो वो अशांत होगा। इसका आंसर है रेस्टलेस। तो ऐसे कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं जहां आपको वो फंसाने की कोशिश करते हैं। रेस्टिव का आंसर है अशांत, यानी कि रेस्टलेस। अगला देखिए, नोमैडिक, शायद आपने सुना होगा। नोमैडिक का अर्थ होता है घुमंतू, या फिर ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। प्राचीन काल में लोग जब गुफाओं में रहते थे या झोपड़ियों में रहते थे, तो वो अपनी जगह बदलते थे मौसमों के हिसाब से या अपनी खेती के हिसाब से। उनको नोमैडिक कहा जाता था। तो नोमैडिक का अर्थ यहाँ होगा वैंडरिंग, मतलब घुमंतू, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। नेक्स्ट देखिए, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सीधा अर्थ है अपमानजनक। अब आप ऑप्शंस को देखिए। इंजूरियस, इंजूरियस हानिकारक होता है, अपमानजनक नहीं होता है। शैटरिंग, शैटरिंग मतलब जो आपको तोड़ दे, वो चीज़ शैटरिंग हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव, अगेन आप के लिए क्या हो रहा है, आपका डिस्ट्रक्टिव मतलब आपके लिए हानिकारक या आपके लिए बुरी स्थिति बन रही है। डिस्पैरेजिंग इसका आंसर होगा। थोड़ा टफ है डेरोगेटरी का, डिस्पैरेजिंग इसको याद करना ज़रूरी है। डिस्पैरेजिंग मतलब आपका अपमान होगा, आपको एक तरह से बेइज्जत किया जाएगा। प्रीमोनिशन, ध्यान रखें, प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का अर्थ होता है पूर्व सूचना। देखिए, पूर्व कैसा रहा है, प्री, प्री का मतलब पहले, तो प्रीमोनिशन। अब ऑप्शंस पर जाइए। इनसाइट, इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, इसमें कुछ पहले नहीं हो रहा है। इनसाइट बाद में भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। फोर वार्निंग, फोर, देखिए फोर मतलब, फोर का मतलब भी पहले होता है। फोर रनर हो गए, ठीक है, फोर कमिंग हो गई, ठीक है, उस तरीके से। फोर वार्निंग मतलब अग्रेसित करना, मतलब पहले ही वार्न करना। फोर वार्निंग देना मतलब पहले ही वार्न करना। और प्री मतलब भी पहले होता है, प्री मोनिशन अगेन पूर्व सूचना, तो इसका आंसर होगा फोर वार्निंग। अगला देखिए, एल्यूड, एल्यूड मतलब पलायन, मतलब कि अपनी जान बचाकर भागना या किसी समस्या से बचकर भागना, तो इसका आंसर होगा एस्केप। थोड़ा सा सिंपल है, एस्केप इसका आंसर होगा। देखिए, डिसीव करना धोखा देना है। डिसीव में आप धोखा दे रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, लीव में आप छोड़कर जा रहे हैं। एस्केप मतलब, देखिए लीव जब करना है तो सामने वाले को पता है कि हाँ आप इस कारण से जा रहे हैं या आप क्यों जा रहे हैं। एस्केप में सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप चले गए, या उसको कारण नहीं पता है कि आप चले गए। एल्यूड का आंसर होगा एस्केप। फटाल, फटाल मतलब होता है घातक, जो विनाशकाली कह सकते हैं, ठीक है। टेरिबल नहीं, टेरिबल थोड़ा सा भयानक होता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको नुकसान पहुँचाए। पॉइजनस, पॉइजनस जहरीला होगा। डेडली घातक, तो आंसर इसका है डेडली। ध्यान रखें, पॉइजनस अगर है भी तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइजन आपको आपकी जान ले ले या आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो जाए, ठीक है। पॉइजनस जहरीला होगा, इसका आंसर क्या है, डेडली। फटाल का आंसर है डेडली। अगले पर जाते हैं, डोलफुल। डोलफुल मतलब मातम से भरा हुआ। जब किसी की डेथ हो जाए या किसी के साथ बहुत बुरा हो जाए तो आप उसका दुख मनाएं, तो बात वो डोलफुल हो जाएगी। डोलफुल का आंसर है मॉर्नफुल। जब आप किसी के लिए दुख जाहिर करते हैं तो मॉर्नफुल हो जाते हैं। सोबर सौम्य होता है, मतलब कि शांत। रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल मतलब आपने कोई गलती की और आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, आप उसका अफसोस है, तो रिग्रेटफुल हो जाएगा। चीयरलेस मतलब आप हंसी खेल नहीं कर रहे हैं, तो चीयरलेस वहाँ। डोलफुल का आंसर होगा मॉर्नफुल।
नेक्स्ट देखिए आखिरी है ग्रफ, जी आर यू डबल एफ, इसको मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, आर यू डबल एफ, रफ से आप इसको रफ की तरह यूज़ कर लीजिए। इसका एग्जैक्ट आंसर रफ ही होगा, रफ मतलब खुदरड़ा और ग्रफ मतलब ही कर्कश या भीषण, ठीक है, ये इसका आंसर है। ग्रफ थोड़ा वर्ड टफ है लेकिन इसको रफ से याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए फिडेलिटी, देखिए फिडेल, फिडेल का मतलब होता है कि जो व्यक्ति लॉयल हो, तो फिडेलिटी क्या हो गई, निष्ठा, ठीक है, निष्ठा प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति फिडेल, और निष्ठा क्या हो गई, फिडेलिटी। और इनफिडेल जो होता है, इनफिडेल वो होता है जो निष्ठा नहीं रखता है या श्रद्धा नहीं रखता है। अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह है, अफेक्शन में प्यार होगा, फिडेलिटी में प्यार ज़रूरी नहीं है या स्नेह ज़रूरी नहीं है। फिडेलिटी एक इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकती है, अफेक्शन व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। एलिजियंस, एलिजियंस अगेन निष्ठा है, और एक्यूरेसी शुद्धता है, और लॉयल्टी भी निष्ठा है। देखिए अफेक्शन का अर्थ है प्यार होगा, एक्यूरेसी आउट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, एलिजियंस और लॉयल्टी। देखिए लॉयल्टी आप तब रखते हैं जब आप उसका हिस्सा होते हैं, जबकि एलिजियंस आप तब रख सकते हैं जब आप उसका हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। एलिजियंस मतलब झुकाव हो गया, एक तरह की निष्ठा यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उसका एक तरह का मतलब होगा झुकाव। एलिजियंस का अर्थ है झुकाव, लॉयल्टी का अर्थ है निष्ठा, और फिडेलिटी का अर्थ भी है निष्ठा, तो फिडेलिटी का आंसर होगा लॉयल्टी। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आपका पहला है पास्टोरल, मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ। पास्टोरल का अर्थ होता है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। कोहेसिव, कोहेसिव होता है जोड़ने वाला। एम्ब्रियोनिक होता है, एम्ब्रियोनिक का अर्थ है अपनी पहली स्टेज में या एक छोटी स्टेज में कोई व्यक्ति या कोई चीज़ हो उसको एम्ब्रियोनिक बोलते हैं। इकोनॉमिकल मतलब सोच समझकर खर्चा करने वाला। और रिजॉल्व का आएगा, रिजॉल्व होगा कि जब आप कोई प्रण लेते हैं उसको हम कहते हैं रिजॉल्व, तो रिजॉल्व का प्रण होगा। आप रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप प्रैक्टिस करके कमेंट में इनका आंसर्स दीजिए, हमसे डिस्कस कीजिए, फीडबैक दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, लोगों के पास भेजिए, चैनल को शेयर कीजिए, देखते रहिए, हाँ घर पर बैठ कर देखते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।